मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आई एम फ्रॉम करनाल हरियाणा, देवाजी धाम गांव ब्रास से। सफर कर रही थी रास्ते में और सांभली से करनाल जा रही थी। मेरी नजर शिरोमणि महाराणा प्रताप, हिंदुआ सूरज, हम सब के दिलों की धड़कन, राष्ट्र की वो पहचान, अपने राज्य को, अपने परिवार को, अपने सब चीज की आहुति देने वाले। आज हिंदुओं के नहीं बल्कि तमाम मंदिरों में जो भगवान सुरक्षित है वो महाराणा प्रताप जी की वजह से है, जिन्होंने राष्ट्र के हित के लिए गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया। ऐसे शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के श्री चरणों में हमारा सर झुकता है और भव्य और सुंदर मूर्ति लगाएगी, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ साथ में एक बात भी कहना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप जी ने तो गैर हिंदुओं की औरतों का भी सम्मान किया, गैर हिंदुओं की बेटियों के आन बान शान और सर के दुपट्टे बचाए, और आज उसी समाज की बेटियां एयरपोर्ट जैसी जगह पर थप्पड़ खा ले, और उस बेटी के लिए जब आपका समाज इकट्ठा और बोले ना चुप रहे तो अपने आप में गर्व की नहीं शर्म की बात है। आप राष्ट्र की बात करिए, आप इतिहास की बात करिए, लेकिन इतिहास के जो खून से सने पन्ने है ना वो क्या कहते हैं उनको भी याद रखिए। हमारे कुछ नियम है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, और जय जय राजपूताना वैसे नहीं बोला जाता, उसके पीछे जो कारण है वो भी पढ़ लिया करो, थोड़ा सर बता दिया करो गाथाएं क्या कहती है। हाँ, कंगना राणावत की बात कर रही हूँ। कल से मैंने एक न्यूज पढ़ी, देखी बल्कि सोशल मीडिया पर, ओ पन्नू है कोई बाहर से, और उस पन्नू ने कहा कि थप्पड़ मारने वाली महिला को 8 लाख रुपए देंगे। थप्पड़ मारने वाली महिला में 8 लाख रुपए देने में और किसी का मर्डर करने में या कत्ल करने में या आतंकवाद फैलाने के लिए जो लोग पैसे दे रहे हैं तो उसमें इसमें क्या फर्क हुआ? तुम थप्पड़ मारने पर 8 लाख देते हो, वो कुछ और गलत करने पर 80 लाख देते हैं, बस औकात औकात का फर्क है। मैं इस पन्नू को भी पूछना चाहती हूँ, इसमें सम्मानित करने जैसी कोई बात नहीं थी कि थप्पड़ मारने पर 8 लाख दे रहा तू, खुद की पैंट तो मतलब रस्सियों से बांध बांध के रोकता है, खुद तेरे अंदर सिख ही नहीं है, खुद तू सिखों का कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं, कभी सिखों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया, राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कोई बात नहीं की, सिखों के ऊपर इतनी चीजें हुई उनके ऊपर तो बोला नहीं कभी, आज तो थप्पड़ मारने पर 8 लाख देने लगे। बहुत सारे सिख परिवारों के साथ बहुत सारी चीजें गलत होती है, दहेज जैसी प्रथा है खत्म कर दे, उसके लिए पैसे दिया कर, और धार्मिक बहुत सारी चीजें हैं, बड़े बड़े मठ गुरुद्वारे हैं उनके लिए पैसे दिया करो, पर थप्पड़ मारने के लिए 8 लाख रुपए देना, चलो ये तो तुम्हारा विषय था। अब कुछ लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं कि आपने गलत किया, कंगना के लिए बोलना नहीं था, कंगना ही नहीं देश की कोई बेटी होती और उसके साथ गलत होता ना मैं तब भी बोलती, बयानबाजी का अर्थ होता बयानबाजी, किसी ने गलत बोला तो उसके उसके शब्दों में उसका जवाब दिया जा सकता है। इस देश में ऐसा कौन सा नेता है जिसने भड़काऊ बयान ना दिया हो? इस देश के अंदर एक सरपंच और एक मेंबर से लेके पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री तक बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, तो क्या आप कौन सा नेता बचेगा? एक वो पंडताणी पूनम पंडित, वो कल से बोल रही है कि भाई अपने बीजेपी के सांसदों बच के रहना, CIF के जवान थप्पड़ जड़ सकते हैं, ये मर्यादा है क्या? या बाकी सारे लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है, थप्पड़ खाने के लिए पैदा हो रहे हैं? गलत फहमी नहीं पैदा किया है। दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाहती हूँ, कईयों के फोन आए रात को 2 बजे 1 बजे, लगातार 3 दिन से फोन कर रहे हैं, देख फोन फान का तो मैंने पता नहीं, जो मैंने बयान दिया, जो मेरे को उचित लगा मैं बोली, और जो मेरे को उचित लगेगा किसी के भी हक की बात हो, चाहे सिख की हो चाहे हिंदू की हो, वो मैं बोलूंगी। देखो कोई किसी ने खाने दाने तो देंदा नहीं, और ना कोई किसी ने पालदा, और ना किसी ने मेरे को गोद ले रखा था कि ज्यादा सी मैं परवाह करूं, और जो किसी का ज्यादा सी दिक्कत हो रही है, ज्यादा सी दिक्कत हो मुंह बंद कर दोगे बोलन का, है कंप्यूटर हूं मैं या कठपुतलियों की जो तुम चाहो मैं वो बोलूं,
जिसके प्रति मेरी भावना होगी। मैसेज कर दो कोई 147। आज मेरे इंस्टा पे लगातार बाहर से इतने मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास 147 है, हमारे पास फलाना है, ढिकड़ा है तेरी माँ की। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती कि है तेरे पास, और कुछ होता ना तुम्हारे पास, बस अब मैं क्या कहूँ, शब्द बहुत कड़वे होते हैं मेरे, पार पार हो जाते हैं, पचते नहीं, कई लोगों को दवाई लेनी पड़ती है। तो कहना ये चाहती हूँ, जब राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, गुरुओं के हित में खड़े होना जानते हैं ना, तो गलत को गलत और सही को सही कहना जानते हैं। हम चाहते हैं कि सिख समाज के बच्चे पढ़ें, बढ़ें, राष्ट्र की बात करें, देश तोड़ने की बात ना करें, खालिस्तान का समर्थन ना करें। कहना ये चाहती हूँ कि उस पंजाब के अंदर जहाँ सत्कार की उम्मीद करते हैं, उस पंजाब के अंदर बदनामी की उम्मीद ना करें, बाकी मर्जी है आप लोगों की। और पंजाब के आपके मंत्री को कैबिनेट में दर्जा मिला, उसके लिए मैं बिट्टू जी को बहुत शुभकामनाएं दूं। और दूसरी एक और बात, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी कैबिनेट मंत्री बने। कुछ लोग कहते थे कौन है खट्टर, तो कैबिनेट मंत्री हैं खट्टर साहब। तीसरी एक और बात कहूं, जितने 140 लोग जुड़ रहे हैं, कुछ देश के लिए गलत हो रहा हो ना, आवाज उठाया करो, आवाज ना हो मुंह में तो शब्दों को शेयर करा करो, शब्द शेयर करने की भी हिम्मत ना हो ना तो कम से कम उसकी टांग खिंचाई मत किया करो, चुप रहा करो। और जो पीढ़ियां, जो नस्लें चुप रही ना, उनके खून और विरासतें मिट गई। जो जिन लोगों ने चुप रहना शुरू किया ना, इग्नोर करना शुरू किया, उनके नामों निशान मिट गए। जो कौम बोली, जो कौम लड़ी, जिन कौमों ने तलवारें उठाई, उन्होंने इतिहास लिखे। सलवार में और तलवार में बड़ा फर्क होता है। तो ना रक्त कमजोर है, ना हमारी बोलबाणी कमजोर है, इसलिए ये धमकी धमकियों का सिलसिला तो ना बुगे। जब मैं कई बात पहले किया करती थी, जब भी आया करते थे, और अभी भी आती है, मुझे ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। और मैं इतना कहना जरूर चाहूंगी कि कंगना के लिए मैं कल बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, राष्ट्र की किसी बेटी के ऊपर अगर प्रहार होगा और वो गलत होगा तो वो गलत है। अगर आपको लगता है कि इतनी संवेदनशील जगह पर जाकर हथियार उठाना, या फिर भाई तुम्हारे हाथ में राइफल होती तो तुम वो मार देते, फिर थप्पड़ खाओ तो शुक्र मानो। और हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी तनख्वाह ली है ना, वो वापस कर देना, तब तो जमीर है। क्योंकि अब तो पन्नू ने भी पैसे भेज दिए 8 लाख रुपए, कुछ तो जाएंगे उसमें से। अरे पन्नू, अच्छे काम कर ले बुढ़ापे में। मेरे यार क्यों उल्टी बात करा करे तू, क्यों गलत करा करे उल्टे है। अच्छा, कोई बुजुर्ग बाबे, दाढ़ी वाले बाबे, वाइट हो रहे ऊपर नीचे आगे पीछे सारे, वो भी बकवास कर रहे, बीबी तेरी भैन दी, तेरी मां दी, तू ए करता वो कर दे, क्या कर दिया, मतलब थप्पड़ मारना सिखाऊं है, गलत बात सिखाऊं। जब मैं लगातार अगर सही बात करती हूँ तो कम से कम सच्चाई सुनना स्वीकार करिए। ऐसा नहीं होता कि आप सारी जगह ठीक हो, कभी कभी आप लोग गलत भी हो सकते हैं, अपने बच्चे गलत हो सकते हैं, उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लगातार गालियां दोगे अगला चुप बैठा रहेगा। गलत बात ना, कुलविंदर ने गलत किया तो आप लोग बोलिए गलत किया, चाहे बेटी हिंदुओं की हो, चाहे बेटी सिखों की हो, बेटी तो बेटी होती है, बेटी के ऊपर कोई टैग नहीं होता, सबकी बेटी सम्मान होती है। अब क्या मानोगे, भी 8-8 लाख रुपए जिनके पन्नू जैसे लोग भेज रहे हैं, तो ये आतंकवाद नहीं तो क्या है, थप्पड़ मारने के 8 लाख, 80 लाख में 8 लाख में ज्यादा सा फर्क नहीं, औकात औकात का फर्क है बस। जय हिंद। जिन्हें ना लगा ना, जिनके जिगरा हो वो शेयर कर दियो, और जिनको नहीं लगती ना कोई बात वो रहने दियो। और हाँ, क्या कह रहे हो तुम, बीजेपी की टिकट पर लड़ेगी, बीजेपी से चुनाव लड़ेगी, बीजेपी की भाषा बोल रही है। जब मैंने सूरी के खिलाफ बोला ना, जब भी मैं बीजेपी की बीजेपी में ही थी, जब मैंने पंजाब के हर मुद्दे पे बात की, जब भी मैं बीजेपी में थी, किसान आंदोलन आया ना, जब भी मैं बीजेपी में थी, और भी पंजाब में कई ऐसी चीजें हुई जब मैं बोली, जब भी मैं पंजाब में थी, और आज भी मैं पंजाब की बात करती हूँ, लेकिन गलत का समर्थन नहीं करती। भले मरना स्वीकार हो, क्या कह रहे हो तुम बीजेपी से लड़ेगी चुनाव, क्यों बीजेपी से पंजाब में नहीं लोग लड़े चुनाव, और मैं तो लड़ लूंगी चुनाव, टिकट ले आऊंगी, कल लटक जाएंगे फांसी पे, मरमरा जाएगा कोई सा, इसलिए मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। मैं राष्ट्र की, देश की,
धर्म की, गुरुओं की, फकीरों की, सच की बात करती हूँ। कंगना ने बयान दिया था, हम भी दे लेंगे 20-30-50 माई कड़ा के बयान है। ये क्या मतलब है कि चुने हुए सांसद के मुंह पे थप्पड़ मारना और भी एयरपोर्ट की जैसी जगह पे, गलत का परिणाम गलत होता है, कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और थारे घर में तो सारा कुणबा नौकरी पे है, सारे छोड़ दो, आंदोलन में चले जाओ। राकेश टिकैत ने कई करोड़ रुपए का मालिक हो गया, यशपाल मलिक अरबोपति हो गया, हमारा पूरण सिंह ठाकुर बीजेपी का विरोध करा के ओडी जैसी गाड़ी ले आया, 20-30 किले जमीन खरीद ली, चढ़ूनी ने बहुत पैसे कमा लिए, 5-7 और है उरे उन्हें भी बहुत पैसे कमा लिए। क्यों इन नेताओं के चक्कर में अपने बालका का भविष्य खराब करो, समझा करो बात ने, ना तोलो इन्हें ना पैसा में, अपने घर का खर्च चला लो उन पैसा। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, सेंट्री पैसा देता है सारा का सारा।